गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको समझने के लिए पहले हमको कुछ बातों को फिर से ध्यान में लाना पड़ेगा कि जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन में दो टाइप मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब यहाँ के बाद हम लोगों को सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड जो हम लोगों का सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा और जो लिक्विड है वो वोलाटाइल नेचर का होगा। और यहाँ पर वेपर प्रेशर का कंसेप्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ भी पढ़ लिया है। तो राउल्ट लॉ का हेल्प लेते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में वह प्रॉपर्टीज जो कि उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करता है, उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उसका नेचर। मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी भी सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, हम किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट देख सकते हैं और एक यूनिक टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो चार उनके अपने प्रॉपर्टीज हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जो सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कितना कंसंट्रेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट का यूज किया जा रहा है उस पर पूरी तरह से जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है उसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो सॉल्यूशन में मेनली हम लोग वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर किस तरीके से नेचर पर डिपेंड नहीं करता है हम लोग एक इक्वेशन निकाल के भी उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग रिलेटिव लोअरिंग को समझेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो एक बार मैं डिफिनेशन इसका बोल दे रहा हूँ। सॉल्यूशन विथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन बट नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। मतलब हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से बना है, तो उसका जो प्रॉपर्टीज है तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। आगे हम लोगों को एग्जाम्पल के लिए हमेशा हम लोग यूज करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर का। सॉल्ट हम लोग सॉल्यूट नेचर में रखेंगे और वाटर को सॉल्वेंट, और इसका जो मिक्स सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट वाटर, इसको हमेशा हम लोग ध्यान में लेके चलेंगे। इस एग्जांपल को हम लोग एक स्टैंडर्ड एग्जांपल में लेके चलेंगे कि इसी से हम लोग समझेंगे कि आखिर वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे इस सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आगे है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट हम लोग को रिलेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसमें देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स है। तो हम लोग सॉल्यूशन मानते हैं लेट सॉल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर का। सॉल्ट सॉल्यूट है जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे और वाटर आपका सॉल्वेंट है जिसको ए से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे बात यह आता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है कि रिलेटिवली जो पहले उसका वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्ट ऐड करने के बाद उसका जो वेपर प्रेशर है वो चेंज हो जाता है, वो घट जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे। तो मान लीजिए हमने पहले प्योर सॉल्वेंट वाटर लिया, उसका वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, मान लीजिए 5 किया। तो लेकिन अगर हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करते हैं, उसके बाद क्या होगा, क्या उसका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे उतना ही आएगा या उससे कम हो जाएगा। अगर हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो आप एक्सपेरिमेंटली आप उसको सोचिए कि मान लीजिए पहले प्योर वाटर को हमने बॉयल किया, उसके बाद हमने उसमें चीनी पानी या नमक पानी को अगर हम बॉयल करते हैं तो वो जल्दी सेम टेम्परेचर को सेम वेपर कंटेंट देगा या फिर उसे कम देगा।
तो ऑब्वियसली उससे कम देगा क्योंकि पहले वो प्योर था, अब उसमें सॉल्ट ऐड है तो वो जल्दी बॉयल नहीं होगा, और अगर वो जल्दी बॉयल नहीं होगा तो जल्दी वेपर क्रिएट नहीं होता है। तो वेपर प्रेशर जो पहले प्योर सॉल्वेंट का था उससे वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। तो हम लोग उसको देखेंगे एक्सप्रेशन के थ्रू कि तब तो मतलब अगर मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पी है और हमने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, अब जो इसका वेपर प्रेशर है वो सॉरी पहले उसका वेपर प्रेशर पी नॉट है, हमने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, अब उसका वेपर प्रेशर पी है, तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा मतलब वेपर प्रेशर जो पहले था वो घट गया, मतलब प्योर सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। हमको यही प्रूव करना है, यही एक्सप्रेशन लाना है इसके रिजल्ट में। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ पी प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लोग सॉल्वेंट को यहाँ ए से डिनोट किए हैं, ए से डिनोट कर देंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो पी नॉट आएगा, तो पी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए। पी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, और पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे पी बाय पी नॉट इक्वल टू एक्स ए, एक्स ए की जगह पर हम लोग एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, तो यहाँ एक्स ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, इसको यहाँ हम लोग क्यों ने एक्सप्रेशन को अरेंज करके यहाँ लिख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर वन को हमने इस तरफ ले आया तो वन माइनस वन बाय पी नॉट, तो यहाँ हो जाएगा पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन क्या है। यहाँ पे पी नॉट माइनस पी, जो पी नॉट माइनस पी है वो मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये आपका पी हो गया जो प्योर सॉल्वेंट है, और ये जो पी हो गया ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो जो प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर वाटर का जो प्रेशर था उससे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, इसलिए इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। घट इसलिए जाता है क्योंकि उसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज कर देता है वाटर का, जिससे उसको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वेपर प्रेशर जल्दी नहीं मिल पाता, इसलिए वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए इसको पी नॉट माइनस पी से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग इसका कंपेयर करेंगे कि रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी से कितना, तो हम लोग जो प्योर वाटर है उससे इसका प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से इसको कंपेरिजन कर देंगे, तो पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, इस एक्सप्रेशन को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। एक्स ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, एन ए आपका मोल ऑफ सॉल्वेंट है, फॉर्मूला बाई डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू ए बाई एम ए, और एन बी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी बाई एम बी, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग इसके आगे कैलकुलेट करेंगे कि ये मोलिकुलर मास के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और ये कहाँ शो हो रहा है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे मोलर मास के टर्म में। तो फॉर्मूला था हम लोगों का पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, एक्स बी को हम लोगों ने लिख दिया एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी नेग्लेक्टेड इज वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन, सो एन ए का अमाउंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा एन बी से, कहाँ पर? सॉल्यूशन में, इसीलिए सॉल्यूशन से एन बी को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो नया एक्सप्रेशन हम लोग का है वो है पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू एन बी बाय एन ए, तो पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी
बाय एन बी, मतलब मोल इक्वल टू एन इक्वल टू, सबको पता है क्या होता है, एन इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी बाय एम बी बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए, मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम बी हो गया आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और एम बी हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग इसको एम बी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। इसको आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो आ जाएगा। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमको ये शो कर रहा है कि जो नेचर ऑफ, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बट नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब ये हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन का वो आपका डिपेंड नहीं करता है उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। यहीं पर ये एक्सप्रेशन इसको प्रूव कर रहा है, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्रेशन को, फाइनली एक्सप्रेशन को आप रिटेन डाउन करें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे, ये टॉपिक आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेसिकली ये डिस्क्राइब किया कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट पार्टिकल को, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करते हैं तो उसके नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाता है उसके सरफेस पर, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है और लोअरिंग वेपर प्रेशर का कंडीशन क्रिएट होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। तो जो क्वेश्चन है वो है बेंजीन का वास दाब 0.85 बार है, 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम विलय मिलाया जाता है, तो विलयन का वास दाब 0.8 बार हो जाता है, तो विलय का अनुभार क्या होगा। और इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.85 बार, 0.5 ग्राम सॉल्यूट एडिंग टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है क्या क्या हमको दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है, दिया गया क्या क्या, सबसे पहले तो बेंजीन का वाष्प दाब दिया गया है। ठीक है, मतलब बेंजीन यहाँ एक सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट मिलाया जा रहा है जिसका हमको वेट दिया गया है लेकिन उसका मोलर मास पता नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग मोलर मास ऑफ बेंजीन का मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 12 × 6 + 1 × 6, ये आपका 78 आ गया, मतलब 78 हो गया, मतलब मोलर मास ऑफ बेंजीन, मतलब एम बेंजीन पता चल गया हमको। उसके बाद हमको दिया गया है दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब विलय का हमको वेट दिया गया है, विलय का वेट है W, आपको दिया गया है कितना 0.5 ग्राम मिलाया जाता है। और बेंजीन का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट, क्योंकि ये सॉल्वेंट है और इसका प्योर फॉर्म में इसका दिया गया है 0.85 बार, बार यूनिट होती है प्रेशर की। उसके बाद 39 ग्राम बेंजीन वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब कि हमको पी सॉल्यूशन, मतलब विलयन का भी वेपर प्रेशर हमको पता है, वो आपका आ जाता है कितना 0.845 बार, मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग है, घट गया है। मतलब यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर का कंसेप्ट लगा, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, इसका मतलब यहाँ रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों ने डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला निकाल लिया है पहले, तो एम सॉल्यूट का सूत्र हम लोगों ने जस्ट अभी पहले निकाला है, एम सॉल्यूट का सूत्र हो गया
आपका W सॉल्यूट मल्टीप्लाई M बेंजीन, क्योंकि सॉल्वेंट आपका यही है, बटा आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस फॉर्मूले पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट 39 ग्राम। अच्छा एक चीज़ और यहाँ मिस हो गया, हम लोगों को W बेंजीन भी पता है, इसको यहाँ लिख देता हूँ W बेंजीन। बेंजीन का भार हम लोगों को 39 ग्राम पहले से पता है, ठीक है। तो W बेंजीन वहाँ पे सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की जगह पे हम लोगों ने बेंजीन लिख दिया, गुना पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। इसके सूत्र पर आप लोगों को बैठाना है, इसके फॉर्मूला पर हम लोग बैठाते हैं इस पर। तो W सॉल्यूट आपका है कितना 39 मल्टीप्लाई M बेंजीन कितना है 78 अपॉन पी नॉट बेंजीन कितना है 0.85, ठीक है, इसका बाद में काम है। W बेंजीन है आप W सॉल्यूट आपका 0.5 हो जाएगा, W बेंजीन आपका 39 है मल्टीप्लाई 0.85 माइनस 0.84 बाय पी नॉट आपका है 0.85। ये आपका फाइनल फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं कि इसमें हम लोगों को सब ज्यादा जरूरी होता है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में दिया हुआ सब कुछ रहता है, हम लोगों को पहचानना नहीं आता, हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें पी नॉट कौन है, इसमें पी कौन है, इसमें विलय कौन होगा, इसमें विलायक कौन होगा, इसमें सॉल्यूट कौन है, इसमें सॉल्वेंट कौन है। तो उसको पहले एक बार आप लोग एक दो बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। बेंजीन का वास्तव मतलब वेपर प्रेशर और प्योर बेंजीन, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्योर बेंजीन कितना है, मतलब हमको एक चीज मिल गई बेंजीन, तो बेंजीन जनरली सॉल्वेंट है ये सबको पता है, तो हमको मतलब विलायक मतलब सॉल्वेंट मिल गया है, तो वो कितना है आपका 0.85, तो हमने उसको नोट डाउन कर दिया। और ये प्योर है तो इसलिए इसको पी नॉट से डिनोट किया 0.85। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 0.5 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब विलय, हमको विलय पता है, उसका भार दिया गया है W, तो हमने W सॉल्यूट लिख दिया, मतलब W विलय लिख दिया 0.5 ग्राम। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसका है मिलाया जाता है 39 ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम मतलब बेंजीन का भार मतलब विलायक का W दिया गया है हमको 39 ग्राम, उसका उसका शुद्ध जो भार जो दाब है वो है 0.85। अब सॉल्यूशन के प्रिपेयर होने के बाद उसका भार हो जाता उसका दाब हो जाता है 0.84, इसका प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर हो जाता है 0.84, मतलब यहाँ प्रेशर घट गया है, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव लोरिंग का कंसेप्ट लगेगा। रिलेटिव लोरिंग के कंसेप्ट से हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला है मोलर मास निकालने का W सॉल्यूट इंटू M सॉल्वेंट, तो वहाँ सॉल्वेंट है तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट मेरा बेंजीन तो M बेंजीन बाय W बेंजीन, मतलब W सॉल्वेंट होगा वहाँ सूत्र फॉर्मूला में इंटू पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। हम लोग एक एक करके यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो 0.5 मल्टीप्लाई 78 बाय 39 इंटू 0.5 माइनस 0.84 बाय 0.85, सबका जो जो वैल्यू हमने पुट कर दिया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाता है 170 ग्राम पर मोल। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद जो है टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट को अगर पानी में मिलाया जाता है, नमक को पानी में मिलाने पर उसके बॉइलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी को हम लोग नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे।